लेट्स गो। पहले मैं गुजराती लेकिन मेरे थोड़ा थोड़ा थोड़े जो हैवी वर्ड्स है ना मेरे को बाउंसर जाते हैं कभी कभार। ये देखो साले इतना इतना गैप में चल रहे हैं, बोला ना इतनी गलियां है, शादी में भी इतना रेडी नहीं हुए थे। हाँ वो बहुत पब्लिक हो गया है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का, आगे बढ़ के जमने जाने का ऐसा बोल रहे हैं हम, ताकि भाई मीम में अच्छा लगेगा, नए वाले थंबनेल पे मस्त जाएगा। हाँ यार क्या बोलती पब्लिक, सुभाष कुमार भाई जा रहा है GDG इंडिया कम्युनिटी समिट, और तुम नहीं मानोगे 4 बजे उठ के बैठा हूँ मैं। इतना जल्दी क्यों उठाऊ, फर्स्ट रीजन कि पता नहीं इट्स अ काइंड ऑफ एंड मोमेंट मीटिंग, सुबह 5 बजे मुझे एक मीटिंग अटेंड करना था। कल एक्चुअली आई गॉट वन अपॉर्चुनिटी टू जस्ट डिस्कस अबाउट इट, आई टेल यू इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट, आई डेफिनेटली शेयर विथ यू। सो मैंने बोला यार व्हाई नॉट, तो मैंने सबसे पहले टाइम स्लॉट चेक किया तो यू नो एवरी टाइम स्लॉट अवेलेबल अराउंड 5 to 6 इन द मॉर्निंग, और मुझे 5:30 बजे निकलना है बिकॉज 5:30 बजे आई एम ट्रैवलिंग विथ JG गांधीनगर फोक्स। सो उसमें से 2 लोग आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, राइट सो उनके साथ जाना है, तो मैंने बोला यार 5 to 5:30 बजे मीटिंग कर लूँगा, तो उसके लिए था मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन 4 बजे उठा हूँ मैं, उठ के सीधा सीधा भाई ने कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी बना के अभी जस्ट मीटिंग ख़त्म किया। मीटिंग ख़त्म करके बोला अभी यार मीटिंग तो एक्चुअली आधे घंटे का था लेकिन 20 मिनट में ख़त्म हो गया, तो बोला चलो अभी थोड़ा वापस व्लॉग चालू कर दे। सो अब पूरी जर्नी वापिस आई एम गोइंग टू व्लॉग रिकॉर्ड एवरी मेमोरीज एवरी थिंग बिकॉज आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि अभी मैंने लास्ट ईयर जो GDG इंडिया कमिट सबमिट का पूरा ICS का पूरा जो रिकॉर्ड किया था यार, अभी पूरी चीज़ें मैं देख सकता हूँ, कभी मुझे कुछ देखना है रेफरेंस लेना है यार क्या किया था, सो दोज आर द मेमोरीज फॉर मी एंड ऑल्सो टेक अवेज कि यार मैं अपनी लर्निंग शेयर भी करूँ, राइट जो भी फीडबैक है वो भी दूँ और क्या उससे मैं आगे और कर सकता हूँ, सो दैट विल हेल्प मी टू क्रिएट मोर कॉन्टेंट। सो इट्स ऑल अबाउट आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग माई जर्नी बिकॉज लास्ट एक साल इज वॉज अ वेरी टर्निंग पॉइंट, लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर एंड वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दिस न्यू थिंग्स, राइट सिंस आई एम नॉट वर्किंग, आई एम अ कंप्लीट फ्रीलांसर, सो जो आया अपन करते, तो अभी भी मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लास्ट एक महीने में इतना एक्टिव हो, जो अपॉर्चुनिटी मैं सब ले रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, भले वर्कआउट नहीं हो तो भी चलेगा लेकिन ट्राई टॉक टू देम, सो चालू कर दिया है। सो अभी पहले कॉफी खत्म करते हैं फिर निकलते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द बेल आइकॉन है सो दैट यू वोंट मिस एनी ऑफ माय नेक्स्ट कंटेंट, यू डोंट वांट टू मिस दिस सीरीज एनीवेज, सो प्लीज डू दैट, बी ऑसम। बाकी अभी मिलते हैं खत्म करने के बाद जर्नी पे। तुम्हारा भाई फुल रेडी हो चुका है, बैग रेडी है एंड लेफ्ट बैग रेडी है, कैमरे का सेपरेट बैग लिया है मैंने बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू, मैंने दी इक्विपमेंट सब यार लेके घूमना पड़ता है ना, इससे अच्छा बेटर कि एक छोटा सा बैग कैरी करें, छोटी मोटी चीज़ें पावर बैंक वगैरह भी करें। इतना अर्ली मॉर्निंग है, अभी भी अंधेरा है, देखो कितने बजे, अभी सुबह के बजे है 5:45 और अभी भी पूरा अंधेरा है। अभी भावेश फ्रॉम GDG गांधीनगर निकल चुका है मुझे लेने के लिए, तो मुझे लेने आएगा, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे श्रेन को लेंगे, श्रेन को लेके फिर डायरेक्टली विल लीव फॉर द उदयपुर, सो इट्स गोइंग टू बी रोड ट्रिप, राइट इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग बिकॉज सब लोग फ्लाइट से अलग अलग मोड से आ रहे, बट आई थिंक इफ यू वॉन्ट टू रियली गो उदयपुर फ्रॉम दी अहमदाबाद द बेस्ट वे इज़ द रोड वे, मज़ा आने वाला है। मैं देख रहा था बाकी मेरा कोई चीज़ मेरा चार्जिंग में है, अभी निकलने वाला है, सो लेट्स गो, आई थिंक एवरीथिंग इज डन। तो अपनी सवारी निकल चुकी है भाई लोग, देखो दिस इज कॉल्ड विंटर सीजन, बोल अंदर सुबह भाई आए, क्या नहीं पता नहीं, इतना सुनसान इतने सुबह
एक्चुअली मैं ओवर लिमिट पे जल्दी उड़ गया। चलते हैं। अच्छा अंदर कुछ आगे करने का है। Let's go. भावेश भाई आए नहीं? धीरे धीरे तुम्हारे भाई की सवारी आ चुकी है, गाड़ी बंद पड़ गई है। आ गई भाई की सवारी। आओ आओ सेठ आओ। लो भाई सवार सवार। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। चलो भाई भाई आए स्पेसिफिकली हमें ले आओ। શું વાત આપણી બેની ક્યાં વાત હે ભાઈ સુબહ સુબહ મેચ હા યાર પણ આટલો બધો સામાન શું કહેતો આપણે રહેવા જવાનું નહીં મહિના માટે તું બરો બેગ મૂકી દો આ રહી તો અભી હમ લોગ નિકલ ચુકે હાઈવે પે ગાડી કે થોડા જબ ભી ડ્રાઈવ કરે તો બીચ મે થોડા બ્રેક લે લેકે ચલના ચાહીએ અભી ભી એક્ચ્યુઅલી અંધેરા હે અભી ભી ઉતના ઉજાલા નહીં હુઆ હે અભી હમ લોગ એક પેટ્રોલ પંપ પર રુકે હે હા અભી મસ્ત थोड़ा उजाला हो तो थोड़ी वाल ट्रिप कर मजा है, पर सुबह सुबह जो मजा आता है ना वो अलग ही लेवल का है। भावेश भाई गाड़ी चला रहे अपने हाय, और इसकी बत्ती गुल हो चुकी है, शरीर मस्त सो गया है पर, और नींद में कुछ बड़बड़ भी कर रहे हैं। पता नहीं किसको याद कर रहा। अभी तो भाई घर से निकला है, इतने में याद आ गई। नहीं नहीं शायद तो ना भाई वो सब जान दो, नाश्ते क्या क्या चीज है बताओ भाई। वही देख रहे हैं अभी तो, जितना आगे जाएंगे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो बाहर निकलेंगे सबसे पहले एक ही चीज सोचता हूँ, रेस्पेक्ट गुजराती लोग होते सबसे पहले खाने के बारे में सोचते। तो भाई अभी ये हाईवे पे अपन तो नए हैं, ये जूना है पुराना है पीछे वाला, लेकिन उसको भी कुछ पता नहीं, अभी अपने को ढूंढना पड़ेगा। तो भावेश भाई ने बोला जो भी पहला दिखे या तो जहाँ भीड़ दिखे वहाँ घुस जाने का। तो भावेश भाई कोई ये वो रियल एस्टेट वाला भी उसका नहीं, भावेश भाई है ना। हाँ उसका भी नाम भावेश भाई। आ जाओ दिखा दूंगा, बस वही है। आ जाओ आ जाओ दूंगा खिला दूंगा। पूरा देख ट्रक लाइन, पूरा लाइन पे खड़े ट्रक देख, डिसिप्लिन में डिसिप्लिन में क्या बात है। ये सबसे बड़ा ये बहुत अच्छा डिसीजन लिए है कि भाई हम लोग जा रहे हैं भाई रोड उदयपुर, और फ्लाइट मिले तो इंशाल्लाह शाम को पहुंचते। एग्जैक्टली वो दिल्ली होके जाते, वो भी दिल्ली होके जाते। उसने मेरे को बोला था कि अगर हम लोग रिटर्न जाने का जो फ्लाइट था ना वो वाया दिल्ली, और रिटर्न जो फ्लाइट है ना वो डायरेक्ट फ्लाइट है। मैंने बोला भाई उतने चक्कर में तो मैं वापस आ जाऊंगा, इससे अच्छा बेटर है कि हम लोग रोड से आ थोड़ा मजे भी ले, थोड़ा बात बात करते करते जाए, जाने का मजा है रोड ट्रिप। गुजराती में कहवत है, बोलो भाई रुको बोलो क्या कहवत है। कि नाड़ा माटे नड़ियत जाओ, ऐसा हो जाता अगर अपने दिल्ली जाते। ना अपने को जाना था उदयपुर, लेकिन दिल्ली जाके अपने उदयपुर जाएंगे तो वही होगा ना कि नाड़ा लेने के लिए अपने नड़ियत जा रहे हैं। नाड़ा लेने नड़ियत जा रहे हैं, ये एक्चुअली मैंने सुना नहीं था, अभी पहली बार सुना मैंने भी। पहले मैं गुजराती, लेकिन मेरा थोड़ा 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 जो हैवी वर्ड्स है ना मेरे को बाउंसर जाते हैं कभी कभार। बट अभी वापस चालू करते हैं, अभी देखने खाने का भी देखने कहाँ नाश्ता करने के लिए मस्त रुक सकते हैं। हम लोग अराउंड 11:30 तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे अपना ओरिका तो हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। आई थिंक बहुत लोग तो ऑलरेडी एक दो दिन पहले, कुछ लोग तो हफ्ते पहले ही पहुँच चुके हैं। हम लोग जाने आज फर्स्ट डे, तो आज हम लोग जाएंगे, और आई थिंक हम लोग संडे को वापस निकल भी जाएंगे। हम लोग एक्स्ट्रा कुछ रुकने वाले हैं नहीं, बट इट्स गोना बी अमेजिंग। जाएंगे नेटवर्किंग करेंगे और घूमेंगे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे करेंगे और क्या मौज करेंगे। और एक्चुअली हम लोग रास्ता भटक गए, ऐसा गलियों गलियों में से निकल रहे, पता नहीं कहाँ निकल रही है गलियाँ। दो तीन बार तो अपन ठुकते ठुकते बच गए। गली इतनी छोटी और वहाँ से दो व्हीकल जा रहे हो जो फास्ट में आ रहे हैं, पर ये आई थिंक जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं ना नज़दीक आ रहे, गलियाँ छोटी छोटी होती जा रही है। आगे जाके गाड़ी का रास्ता होगा, गाड़ी को दबा देंगे। लग रहा है एक्चुअली एडवेंचर हमारा पहले से बिगिन हो गया है।
क्योंकि पहले हमको कहीं दूसरा टर्न मारने का था, लेकिन हम लोग आगे चले गए तो सोचा चलो यही रूट ले लेते, लेकिन ये रूट से अच्छा फाइनली अपना रास्ता आ गया। अरे हम लोग मेन रास्ते पे आ गए, कहाँ जाना है? ये एक अच्छा सीन है, अलग टर्न मार ही सकते, बस वाले को देखो पीछे लेना पड़ रहा है हमारे मुंह को टर्न मारने के लिए। बस वाला भाई अच्छा आदमी है, नहीं नहीं मार सकते अपन, रुक जा। चलो ये बस वाला थोड़ा एग्जस्टिव आदमी है, अच्छा आदमी है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वाला आदमी है। चलो अरे अच्छा नहीं, स्कूल वाला बंदा, स्कूल वाला है हाँ। तो और अच्छा आदमी है। चलो चलो अभी फुला लिए, अभी रास्ता थोड़ा बड़ा दिख रहा है, डबल लेना है। 6 मिनट दिखा रहा है भाई पहुंचने के लिए, बोरा झाड़ियों के बीचों बीच पहाड़ पे है, ये भाई पूरे धंधे में लगा हुआ है भाई, इधर से अंदर डालना है। लेफ्ट लेफ्ट जाने का है कुछ ही बोले, ऐसा रूट पर ड्राइव करने का बहुत मजा आता है, मतलब ऐसी गलियों गलियों में तब आपके ड्राइविंग स्किल्स भी पता चलते हैं कि आपका ड्राइविंग स्किल्स कैसा है। और एक्चुअली अभी ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा एडवेंचर होने वाला है, बोलने वाला है वन बार भाई वन बार। और पनेगा तुम कितना अच्छा भी ड्राइव कर लेगी, सामने वाला भी अच्छा ड्राइव करता हो। दो बार ऐसा हुआ, इतनी छोटी गली है और वहां पे बंदा एकदम स्पीड में आ रहा है, वो तो हमने ब्रेक मारा और थोड़ा एडजस्टमेंट करके निकल गए, लेकिन वो ऐसे ही खड़ा था, वो तो निकलने को रेडी नहीं। इधर सब बाबू साहिब जी रहे, वापस देख छोड़ रोड है ना, वापस छोटा छोटा हो गया भाई। अभी 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 ये रास्ता दिखा रहा है, क्या करना है अपने को, अपने को उधर ही करना पड़ेगा ना यार। देख इधर से उधर जा रहा है और इधर से भी इधर से जाते हैं, ये लेते हैं पक्का रास्ता। नहीं नहीं यार ये लेते, क्योंकि ये वाला है ना यार बहुत कच्चा है, इस इधर से लेते हैं, क्योंकि कच्चे पक्के में क्या हमारे लग जाएंगे। और क्या अभी हम लोग गाना भी नहीं ले सकते कि हमारे लग गए लग गए, हाँ वो क्या फिर हम लोग बीप करना पड़ेगा पूरा। आई थिंक देख ऊपर दिख रहा है, हाँ वही है वही है, दूर से तो हमको मंजिल दिख गई है, अभी नजदीक जाके पता नहीं कैसा दिखेगा। पांच मिनट दिखा रहा है, पांच छह मिनट ऊपर आई थिंक जो दिख रहा है वो है भाई, वो नहीं है वो है किधर उधर, वो वाला है वो भी। अभी हम लोग हमें बोल रहे अभी जाके पता चलेगा अभी कौन सा, इधर से तो टर्न मारा ही जाए। ये एंट्री है अपना, आई गेस आई एम नॉट श्योर, देखते चलो। वही वाला व्यू जबरदस्त दिख रहा है यार, ये देखो इसको मैं ऐसा करके रिवर्स मारेंगे ना तो अच्छा दिखेगा। कहाँ जाना राइट अभी, वही देखने का है, रीसेंटर कर उसको, रीसेंटर इधर इधर, हमको यहाँ से राइट मारना। एक तो गलियां इतनी छोटी छोटी कि मैप को ऐसा जूम करके देखना पड़ रहा है, 4 मिनट पहुंच जाएंगे वही। अभी इतना छोटा जगह यार जाएगा कैसे? हाँ वो लकड़ी पे वो टायर बन पक्का ना अंकल, तुम्हारे भरोसे है? देखो साले इतना इतना गैप में चल रहे हैं, बोला ना इतनी गलियां है, कांच बंद कर दे, हाँ का कांच बंद कर दे, भाई ये भी एक स्किल तुम्हारे टेस्ट है, जुगाड़ लगा है, देखो साइड मिरर बंद कर दिए और फिर टर्न मारा, कट टू कट था ना एकदम, हाँ भाई निकल मिरर निकल दिया ना। अच्छा भाई गलियों से गुजर रहे हम लोग, 3 मिनट दिख रहा है। चलो एक चीज नोटिस किया मैंने, गलियों में भी जो लोग ड्राइव कर रहे हैं ना उनका स्पीड मेंटेन है, स्लो नहीं है बिल्कुल भी, बोले एकदम स्पीड में आ रहा है यार, रेगुलर है ऐसा लग रहा है। हाँ पर आई थिंक थोड़ा स्लो चलना चाहिए यार, ऐसा लग रहा है बोल भी कौन रहा है जो साला खुद स्पीड में चला था। अपने यहाँ पे नए ना इसलिए, अगर अपने यहाँ पे 15 दिन रह जाए तो 6ठे दिन अपने भी वही स्पीड में चलेंगे, पर एक्चुअली एटलीस्ट कॉन्फिडेंस दे रहा है वहाँ पे, अपने वहाँ पे तो ड्राइविंग कुछ भी करते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए ओरिका उदयपुर, चलो अभी चलते हैं, अभी ये हमारा टेस्ट लेंगे। चलो भाई ने आते ही खम्बा खड़ी कर दिया है,
सो पल्लव पहुंच गया भाई, मैं तो जोरदार है। यस सर, नमस्ते। चेक इन सर। यस सर। ये गूगल ग्रुप। गूगल ग्रुप। गुड नेम। ओके जबरदस्त। क्या बात है भाई, बजाओ बजाओ। चल मैं ले रहा हूँ। महाराजा टाइप सब पूरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब ग्रैंड एंट्री हो रही है। चलो पहुंच गया भाई। शॉट मैंने खुद का खुद ही ले लिया। लवली तेरा मैं ले लेता हूं। हेलो सर। चलो अच्छा भाई, कांग्रेचुलेशन है। अब ये मत पूछना किस लिए बोला मैं पूछूंगा ही नहीं। ये राज राजी रहेंगे तू। वैसे पता है प्रोसेस तो हमारा बहुत स्मूथली हो गया। वी जस्ट गॉट आवर बैजेस। चलो इस बार मेरा नाम है, लास्ट टाइम तो मेरा नाम भी नहीं था। बोल सर, कैसा लग रहा है ICS में आके? सो फार वंडरफुल। फर्स्ट टाइम बराबर। होपफुली नॉट लास्ट टाइम। दैट नाउ डिपेंड्स इन अ टीम नाउ। अभी यहाँ पे अपने को चेक इन करने का, बट प्लेस इज अमेजिंग। प्रॉपर्टी इज रियली गुड। प्रॉपर्टी इज रियली रियली गुड। पता नहीं मस्त, देखो ऐसा हार पहना है, मस्त टीका भी का लगाया है। इतना स्वागत किसी ने नहीं किया, इतना अच्छे से किया है, किया है बट इतना अच्छे से नहीं। लेट्स डू द चेक इन फर्स्ट एंड देन वी विल गो टू रूम। शादी में भी इतना रेडी नहीं हुए थे। मैं रेडी हूं। ओ सिग्नल का। अरे भाई क्यों अपने बहुत फ्लोर पे ना भाई। हर्ष शाह कौन है पता नहीं क्यों अपने यहां का लग रहा है। गुजरात से अच्छा है। अहमदाबाद का है। हां जीडी जी क्लाउड। जीडी जी क्लाउड अहमदाबाद ऑर्डर कर रहे हैं। चलो हम लोग So we let's check in. इधर है। तो ये अपना है 1410 और ये है अपना एंट्रेंस। क्या बात है, अमेजिंग रूम, अमेजिंग रूम। चलो यहाँ पे अपन ही अपना बैग खड़ा कर देते हैं तो रूम का व्यू लिया जाए। यार अमेजिंग रूम, सुप्रीमली अमेजिंग रूम। अभी जरा इसको निकाल देते हैं, ऐसा लगे पूरी दिन भर शादी में घूमने वाले हैं। भाई साहब क्या व्यू है यार, इपिक व्यू। मतलब यहाँ पे बैठ के जो काम करने का मजा है और बातें जो होगी नेटवर्किंग। आई थिंक ओवरऑल रूम इज रियली गुड। चलो जाके पहले दरवाजा बंद कर देते हैं, है ना। हाँ भाई लोग, सो आने के बाद थोड़ा मस्त नाश्ता किया। क्या किया रहे अपन? लंच किया ना भाई। लंच इतना नाश्ता के बराबर था, बट एक्चुअली लंच थोड़ा बहुत हैवी हो गया तो हमने बोला थोड़ा आराम कर लेते, क्योंकि एक्चुअली कल सिर्फ 2 घंटा सोने को मिला था। भाई व्यू इतना जोरदार है, एक्चुअली मैं इधर ही सो गया। मस्त व्यू लगता है, ऐसा पड़ गया। व्यू मस्त आ रहा है, कुछ भी बोल इधर से। बहुत मस्त। नीचे ठीक है उनका, लेकिन उनके इधर बैठ के व्यू नहीं आता बिल्कुल भी। राइट, तो अभी हम लोग निकल थोड़ा
थोड़ा टहलते बाहर, थोड़ा एक्सप्लोर करते प्रॉपर्टी को। पर मेन प्लान कैसा है कि कल सुबह प्लान कि थोड़ा कल सुबह थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करें जितने भी जगह आजू बाजू की। और एक्चुअली मैंने अपना रूम चेंज किया, मेरा रूम एक्चुअली था उधर 1410, मैंने वो चेंज कर दिया भाई के साथ। क्या भाई रोज़ हम लोग थोड़ा साथ में वगैरह जा सके। वो पहले वो बंदे को मैंने बोला था चेंज करने के लिए, लेकिन वो उतना समय बोला कि यार मेरे को हिंदी नहीं आता है, बट वो उतना कंफर्टेबल नहीं था। मैंने बोला चल मैं ही चेंज कर लेता हूँ। और थोड़ी ले लेना सेल्फीज। कौन था? अरे भाई उड़ी मत मारना इधर से। इतना 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 हाँ बस बस जानते रखना। नीचे आ रहे उधर ही आ जा आ जा। तो बोला भी चेंज वगैरह कर लेते हैं अभी अपन लोग। क्या बोला? अरे थोड़ा फीलिंग आता है ना इसलिए। तो मैं देखो ये सारी होती है, बोल नहीं सकता कितने जगह बीप करना पड़ेगा मेरे को बाद में। ये देखो ये ऐसी सारी सवारी इधर जो हम लोग इजीली कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला ऐसे घूमना ही पूरी प्रॉपर्टी में तो उसे चल के चलते हैं। क्या बोलता भाई कैसा है? यही लिफ्ट में हम लोग सुबह 20 मिनट के लिए हम लोग फंस गए थे क्योंकि लाइट चला गया था। तो बीच लिफ्ट है सेकंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच में ही रुक गई, तो हम लोग ऑलमोस्ट 20 मिनट अटक गए थे। तो सबने अपना अपना स्टैंड अप चालू कर दिया, झोंक मारने लगे। प्लान था जाने का नीचे चलते, पर भाई ने बोले थे पहले टेरेस एक बार देख लेते भाई, यहाँ से भी एकदम जबरदस्त व्यू आ रहा है कुछ भी बोलो। वो वहां पे और एक आई थिंक वो भी एक पैलेस ही है दूर, यहाँ से व्यू देखो तुम यार है क्या नहीं धमाकेदार व्यू। उदयपुर के ये ब्यूटी है यार, एक बात तो पता यार अच्छा गए ना। और एक अच्छी चीज है कि ये लोग हर साल एक नया नया लोकेशन लेते हैं कि जहाँ पे थोड़ा कल्चर भी डिफरेंट होता है और हमको भी थोड़ा कुछ अलग चीज़ें मिल जाती है। तो दिस इज वेरी नाइस थिंग अबाउट द GDG इंडिया टीम। अपने को उधर भी जाना है। ये जो सारी चीज़ें ना ये हम लोग मैं सोच रहा हूँ कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठूँ और ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करूँ हर एक जगह जाके। सो बात भी करेंगे और थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे, बट चलते चलते चलने का मज़ा बहुत आता है। पूरा प्रॉपर्टी अमेजिंग व्यू। ऐसा ना हो कि सब लोग है ना ये सबमिट अटेंड ना कर व्यू में खो जाए पूरा। आई होप कि सबको अटेंड करना चाहिए जो भी सेशन उनके अलाइंड है डोमेन के रिलेटेड। सो वो आई थिंक उतना जस्टिस सबको देना चाहिए अनुसरब और अदर, पर मैं जितना मेरे अलाइंड है मैं वो सब अटेंड करता हूँ राइट। जिन लोगों ने कनेक्ट करना है डेफिनेटली आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आई थिंक एवरी वन हैज़ टू प्ले देयर पार्ट। सो वो एक है फन भी करो, मस्ती करो, मजाक करो, सब करो, बट दिस इज़ वी हैव टू डू इट। इट्स नॉट अ कंपल्शन बट आई थिंक समवेयर इट्स गुड। हाँ बस इसके पैसे ले लूँगा तेरे से मैं अलग से, याद रखना तू। ये जो $150 देगा $150 सब्सक्राइब करे। हाँ बोल वर्ल्ड के किधर जाने गए? ये इधर ना वो बहुत पब्लिक हो गया है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का, आगे बढ़ के जमने जाने का ऐसा बोल रहे हम ताकि वो बंदा भी आधा समझे और उसके साथ वाला गुज्जू बंदा अगर रहेगा तो वो भी समझ जाएगा। तो कोई भी पूछे किधर जाना है आगे जाओ, आगे जाकर जमने वड़ जाने का, जमने वड़ जाने का, वड़ जाने का, फिर कोक को पूछने का। किसको पूछने का? कोक को पूछने का। कोक को पूछने का। वो कोक मतलब कौन सा? थम्स अप या माज़ा? वो कोक कोला वाला आता है ना? कोका कोला वाला। कोका कोला वाला
मुझे पता था उधर किसी की नजर जाए ना जाए तेरा जाएगा वो इंक्लूडेड नहीं है पैकेज में स्पा वो अपने पास से पूछ के आए जिसको स्पा करो बाद में मत बोलिए वो इंक्लूडेड नहीं है ना बाप रे नहीं वो तेरे को बिल दे देंगे कोई बात नहीं तेरे को जाना है तो जा सकता है तू फाइनली तुम्हारे भाई ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वहाँ पे और रजिस्ट्रेशन वी गॉट दिस बैच ये क्या है रे इसमें क्या है ये क्या है इसको खोल दो जरा दिखा दे थोड़ा एक्सप्लेन किया क्योंकि सांस भी कभी ये नहीं बोलने का था Someone who is breaking me on अच्छा bed की जगह मुझे क्या लगता है हमने कुछ यही दिखाई सुनाई दिया ना breaking अच्छा notes के लिए अच्छा ये वापस देना है हमें क्या बात कर रहे शायद अच्छा लिख के वापस देने का तो लर्निंग फ्रॉम द नहीं तो क्वेश्चन तो देख वैसी है आई थिंक वी हैव टू पुट अ पॉइंट्स वगैरह लिखने पड़ेंगे टुडे एट द समिट टू थिंग्स आई लर्न ये रखने का माय फेवरेट जाने का सबसे पहले आ जाओ चाय पानी पी लो वो तो फिर भी जाना ही पड़ेगा ये वाला अपने को इधर लगाने का ना पर ये जैकेट चलो भाई भावेश भाई का एकदम अंदाज सही था लद्दाख में बोले बारिश होगा तो रेनकोट मिला गोवा में रेनकोट मिला या तो ठंड का अंदाजा है जैकेट मिला तो ये जैकेट कुछ इस प्रकार के दिख रहे हो सब लोगों ने पहन लिए बोलो बोलो लद्दाख के अंदर अपने को ढोल मिला तो ढोल की बात ना करे तो अच्छा है ये सामान मिलेगी तो क्या भी जाएगा तो ये जैकेट इज वेरी नाइस राइट ये बैच लगाते हैं हम लोग क्योंकि अभी यहाँ पे सारे सेशन चलने वाले यहाँ पे अगर जाएंगे जितने भी सेशंस हैं वो सेशंस यहाँ पे होने वाले इट इज गोइंग टू बी इनॉग्रेशन इवेंट तो वहाँ पे जाएंगे और डे वन डे टू डे थ्री का एजेंडा पता चलेगा Good evening, hello and namaste. As this session अभी खत्म हो गया जो main जो inauguration session था that is already finished. Inauguration session already finish हो चुका है अभी बोला चलो अभी dinner के लिए और there is a one music program तो अभी मैं अभी just हम लोग terrace पे आए and here you can go you can see अलग ही vibe है तो कोई आया नहीं हम लोग पहले ही आ गए आई थिंक ओके सो आई थिंक देयर इज सम देसी देसी म्यूजिक है भाई फिर तो भाई का क्लोजअप लेते हैं ना एकदम मस्त देखो भैया नहीं कैसे यार ऐसा सीरियस मुंह रख के मत बैठो यार ऐसा नहीं चलेगा बिना चल दे मेरी ऐसी निकल गई रुको थोड़ा और क्लोजअप लेते हैं 360 भाई मीम में अच्छा लगेगा नए वाले थंबनेल पे मस्त जाएगा सो फाइनली हम लोग अभी रूम पे पहुंच चुके हैं बाप रे सच ए हेक्टिक डे क्या बोलता भाई बस भाई पूरी बैटरी डाउन है ना अभी बैटरी डाउन हो गई है पूरी बैटरी डाउन है अभी पता नहीं अभी ऐसा लग रहा है कि बेड पे पड़ के सो जाए मस्त हाँ सुपर कोल्ड है बाहर इतना सुपर कोल्ड है व्यू इतना मस्त है ना देखो सुपर व्यू है ना जो दिन को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ओवरऑल पहला दिन तो बहुत अच्छा था सुबह हम लोग 6 बजे निकले कल 2 घंटे सोए 4 घंटे में पहुँचे बाकी दिन का तो पता ही भाई क्या किया आज डिनर किया मस्त अच्छे से देन थोड़े दो तीन लोगों की खींची ना अच्छी खासी ऐसा आया था इसके पेट दुख गया जबड़ा सब दुख गया मज़ा आया सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि हम लोग सब लोगों से मिलते हैं बात करते हैं सब मजाक मस्ती भी करते हैं नेटवर्किंग करते हैं क्या चल रहा है
दैट इज़ अ गुड पार्ट. कुछ जो बहुत लोगों से ऑनलाइन बात करते थे उनसे मिले. एक दो लोग सरप्राइजिंगली उन लोगों ने आगे पूछा कि उन्होंने कुछ मेरे प्रेजेंटेशन यूज़ किए थे लेकिन मुझे मैं कभी उनसे ऑनलाइन मिला नहीं था. तो उन्होंने बोला अरे मैंने आपका प्रेजेंटेशन मांगा था, आपने दिया था, हेल्प किया था आपने. तो मतलब ऐसे टाइम पे तुम उनसे इन पर्सन ही मिलते हो. और बहुत लोगों ने बोला अरे तेरा कैमरा किधर है, तेरे हाथ में नहीं दिख रहा है आज. तो मतलब भाई अपने व्लॉग देखते लोग, ये एक चीज़ बहुत अच्छा लगा. पर हाँ भाई एक चीज़ है, मैं जब खाना खाने के टाइम कभी भी व्लॉग नहीं करता क्योंकि उस टाइम पे भाई गुजराती है मैं, तो अपना फोकस पूरा खाने पे होना चाहिए ऐसा. क्योंकि वीडियो उतारता रहूँगा तो उस टाइम में खाने का टाइम निकल जाएगा अपना. सो खाने का टाइम अपन व्लॉग नहीं करते, बाकी टाइम व्लॉग मैं करता हूँ. और मोस्ट ऑफ ऐसे टाइम पे क्या डिस्कशन ज़्यादा होता है तो उसका जो समराइज होता है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ. कहीं ऐसे ही डिस्कशन होता है और वहाँ पे चल रहा होता है तो उसमें वो कॉन्वर्सेशन आ जाता है. अदरवाइज़ मैं रेफरेंस तो हमेशा देता हूँ. सो ओवरऑल बहुत अच्छा. अभी सब लोग वैसे भी थोड़ा गए, कुछ लोग ग्रुप बना के बैठे बात कर रहे हैं ना, बहुत टाइम के बाद मिले. कुछ लोग वॉक पे चले गए, अभी ऑलमोस्ट 10:15 बजने आए तो सोचा यार अभी अपना ऊपर चलते हैं. थक गए तो फर्स्ट डे थोड़ा सोते हैं. कल 7 से 9 ब्रेकफास्ट है, उसके बाद पूरा दिन का इवेंट है. हमने सोचा कि चलते तो सर सुबह जल्दी 5-1 बजे उठ के थोड़ा लेक साइड चलते हैं, वापस थोड़ा चलेंगे. लेकिन अभी जस्ट रियलाइज़ हुआ कि साला सुबह गएंगे 5 बजे, 5 बजे होगा अंधेरा. 5 से लेकर आई थिंक 6:30 तक होता है अंधेरा. 6:30-7 बजे तो 6:30-7 तो अंधेरा होता. तो हम लोग तो पता नहीं अभी, बट लेट्स सी क्या बोलते, एक बार चक्कर तो मारेंगे. क्योंकि अभी आए हैं तो उतना तो एक्सप्लोर करें तो बोलते जल्द थोड़ा आराम करते सो जाते हैं. हिल जाने का मतलब नहीं क्योंकि फिर वो चढ़ नहीं पाएगा क्योंकि वो है. तो लेक चलते हैं हम लोग, लेक जाते हैं वहाँ थोड़ा. क्योंकि आई थिंक लेक साइड तो हम लोग आराम से चल सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वो एक है तो दैट इज़ द प्लान ओवरऑल. बाकी जैसे बताया और एवरीथिंग इज़ गुड. मैंने जब सुबह जो मेरा एक मीटिंग था अभी वो अपॉर्चुनिटी भी आया है लेकिन अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. अभी उस पर थोड़ा काम करना है. क्या है अपॉर्चुनिटी वो मैं जल्दी ही आपको बताऊँगा. टिल द टाइम स्टे सेफ, टेक केयर, do all the awesome things that you are doing it and don't forget to share all the awesome things that you are doing it. So stay safe, take care, don't forget to like, share, subscribe, hit the bell icon so that you won't miss any of my next updates. क्या बोलता है भाई, subscribe करना चाहिए ना? Yeah, definitely subscribe करो और view बढ़ाओ. View बढ़ाओ भाई. आज actually बहुत लोगों ने अपने vlog देखे, so ये सुनके बहुत अच्छा लगा. तो अभी ये motivate किया भाई और vlog बनाएंगे अपन. और एक अच्छा point ये लगा कि actually लोग ऐसे memory देखते, बहुत लोगों ने ऐसे reference देखा उसको तो कुछ लोगों ने याद दिला रहे अपन ने ऐसा ऐसा कुछ किया था. सो दैट वॉज आई एम ग्लैड दैट यू नो आई फाइनली डिसाइड टू डू इट एंड आई एम मेक श्योर दैट आई एम कंसिस्टेंटली डूइंग दिस. सो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय. कि उदयपुर में कुछ और खाने लायक चीज है तो डेफिनेटली आप कमेंट में बताइए. हाँ, पर नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर जाएंगे क्योंकि अभी ये व्लॉग कब पब्लिश होगा और हम लोग कब देखेगा क्योंकि अभी हम लोग मैं तो सीख रहा हूँ भाई सब कुछ थोड़ा अलाइंड करने का. लेकिन जो भी है कमेंट में डालना कि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उदयपुर आना तो नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर है. तो आप प्लीज़ बताओ और भी क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हो भी बताओ तो थोड़ा फीडबैक मिलो और क्या इम्प्रूव करना चाहिए. मुझे फीडबैक मिल रहा है, मैं इम्प्रूव करता जा रहा हूँ. सो थैंक यू अगेन. अभी चलते सोने के लिए. मुझे तो लग रहा है मैं इधर ही सो जाता हूँ. एक्चुअली मैं दोपहर को इधर ही सो गया था. Bye-bye.